नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपको लेके आई हूँ ग्रेटर मोहाली के अंदर 100 गज का इंडिपेंडेंट हाउसेस दिखाने। इसके साइज की अगर हम बात करें, 20x45 इसका साइज है। सबसे पहले आप फ्रंट एलिवेशन इसका देख सकते हैं, काफी अच्छा और काफी लग्जरी हमने इसको डिजाइन करा है। अगर हम फेस स्टाइल की बात करें, ब्राउन एंड ग्रीन कलर का हमने इसमें कॉम्बिनेशन करा है। फर्स्ट फ्लोर पे आपको प्रॉपर टफन का ग्लास और SS की रेलिंग मिलने वाली है। तो गाइस, जैसे ही आप नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको काफी वाइड आपका जो ये मेन गेट रहेगा वुडन का प्लस स्टील का, जो काफी अच्छी एंड हाई क्वालिटी का हमने यहाँ पे गेट यूज करा है। इसी के साथ ही जैसे ही आप इस साइड से अंदर की तरफ को आते हैं गाइस, तो ये आ जाता है आपका पार्किंग एरिया। साथ साथ आप स्पेस भी देखें, साथ साथ मैं आपको थोड़ी चीजें क्लियर कर देती हूँ। इस प्रोजेक्ट में आपको लोन फैसिलिटी अवेलेबल है, आपकी डायरेक्ट डिलीवरी हमारे साथ, बीच में आपको किसी को कोई एक्स्ट्रा चार्जेस आपने पे नहीं करना है। अगर इस साइड को आते हैं गाइस, यहाँ पे आ जाता है आपको टू व्हीलर पार्किंग के लिए अंडरग्राउंड। आपको यहाँ पे वाटर टैंक प्रोवाइड करवा रहे हैं और बाहर ही आपके लिए यहाँ पे मोटर के लिए प्रोविजन दिया है, ताकि आपके घर में 24 आवर पानी चलता रहे, कोई दिक्कत ना आए। और यहाँ पे हमने बाहर एक टैप प्रोविजन दिया है आपको, ताकि आपने अगर अपनी गार वगैरह वॉश करवानी हो आप इजीली कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही स्टेयर्स के नीचे आपको यूटिलिटी एरिया है। यहाँ पे आप इन्वर्टर रखना चाहे, आप सिलेंडर वगैरह रखना चाहे वो भी रख सकते हैं। तो गाइस, यह आ जाता है आपका मेन डोर। 3 BHK हाउस है। अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे कॉल आई थी एक क्लाइंट की, कह रहे थे मैम 100 गज में हम कितने BHK हाउस बना सकते हैं। आप 100 गज में 3 BHK हाउस बना सकते हैं, 4 BHK हाउस बना सकते हैं, और अगर आपको सिंगल स्टोरी बनाना है तो नीचे 2 BHK बना के स्पीशियस सा, ऊपर आप 1 BHK। तो इस तरह का कुछ ही ये हाउस आपके लिए लेके आई हूँ, आप साथ साथ देखिए। और यहाँ पे देखिए तो मेन डोर रहेगा आपका जो काफी वाइड है, और 8 फीट का आपका ये दरवाजा है। तो इसी के साथ इस सेट को देखिए तो यह आ जाता है आपका सेकंड डोर। डबल डोर आपको यहाँ प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर आपको सेम एज इट इज इसी तरह से ये कोठी परचेज करनी है वो भी मिल जाएगी। अगर आपका भी बजट कम है, आप सोच रहे हैं आप कि अंडर कंस्ट्रक्शन घर लेते हैं, उसको अपने चॉइस के अकॉर्डिंग डिजाइन करते हैं, वो भी आप इजिली कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हम डोर से एंटर करते हैं, यह आ जाता है हमारा लिविंग एरिया। लिविंग एरिया काफी स्पेशियस है, यहाँ पे आप इजीली अपना सोफा टेबल जिस तरह से हमने लोकेट करा इस तरह से कर सकते हैं। या जाती है कॉर्नर विंडो, ताकि प्रॉपर धूप और वेंटिलेशन आपके घर में बने रहे। एसी के लिए बीच में हमने आपको प्रोविजन दिया है, एसी गाइस बीच में नहीं मिलेगा आपको। और वॉल पे वॉलपेपर देख सकते हैं आप, और इस साइड को देखिए तो काफी अच्छा वॉलपेपर हमने यहाँ पे लगाया है। ऊपर की तरफ को आपको डाउन सीलिंग, और इसका जो साइज है हॉल का साइज, वो सारी चीजें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, वहां पे आके आप चेक कर सकते हैं। तो लिविंग एरिया के बिल्कुल फ्रंट में ही आपको LCD पैनल है, ताकि आपके गेस्ट जो भी आए इजीली रिलैक्स होके बैठे और अपना टीवी का आनंद ले। और यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे आपको स्पेस मिल रहा है थोड़ा सा, आप इसको अपने तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे अगर डाइनिंग टेबल लगाना है, डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं, जो भी आपका मन करता है वो आप लगा सकते हैं। और इसी के साथ ही इस साइड को आते हैं तो यहाँ जाते हैं हमारा किचन एरिया। एक्चुअली अभी यहाँ पे लाइट का थोड़ा इश्यू है, लाइट चली गई है, तो फिलहाल आपको दिख ही रहा होगा। यहाँ पे देखिए तो किचन एरिया 8x10 का आपका किचन का साइज रहेगा। डिश वॉशिंग एरिया आपको यहाँ मिलने वाला है। इस साइड को देखिए तो ये वैनिटी भी आपको बीच में मिल रही है गाइस। यहाँ पे आप अपना माइक्रोवेव लगाना चाहते हैं, कुछ भी रखना चाहते हैं इजिली आप रख सकते हैं। वेंटिलेशन के लिए विंडो आपको यहाँ प्रॉपर मिल रही है। RO के लिए प्रोविजन और गीजर के लिए भी प्रोविजन हमने दिया है। ऊपर की तरफ को आपको ग्राउंड फ्लोर में सभी में डाउन सीलिंग मिलेगी। और इसी के साथ ही इससे को देखिए तो प्रॉपर आपके हाइड्रोलिक कवर्स रहेंगे, ये आपका स्पून सेट, कटलेरी सेट, ये सारी चीजें। और एक और चीज, एक प्लस पॉइंट ये है, हम कबर्स तो बना देते हैं बट कॉर्नर में हमारा हाथ नहीं जाता है, तो हमने क्या करा है, यहाँ पे आपको एक एसेसरी प्रोवाइड करवाई है। यहाँ पे आप हमने प्याज टमाटर मसाले जो भी रखना चाहते हैं इजीली आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका फ्रिज आ जाएगा। और तो चलो फिर चलते हैं हम सीधा अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ। आते ही आ जाना है हमारा फर्स्ट बेडरूम। फर्स्ट बेडरूम का साइज रहेगा आपका 10x12 का, 6x6 का बेड लगा है। दो बोथ साइड जो है आपको 2-2 फीट की जगह रहती है, इसलिए आप साइड टेबल इजीली लगा सकते हैं। जो बिल्कुल ही आलसी आदमी है तो अपना लैपटॉप से काम किया, साइड में रख दिया, फोन भी आप इजीली यहाँ से चार्ज वगैरह कर सकते हैं।
और इस साइड को देखिए तो यहाँ पे आपको मिल रहा है वॉल पे वॉलपेपर। आप मेरी बात का बुरा ना माने क्योंकि मैं भी बहुत आलसी हूँ, इतने थके हारे दिन भर हम भाग भाग के थक जाते हैं, पर शाम को यही करते हैं अगर लैपटॉप हम यूज कर रहे हैं तो उसको साइड में रख दें। तो आप यहाँ पे इजिली साइड टेबल इजिली प्लेस कर सकते हैं। इस साइड को देखिए तो यहाँ पे आ जाता है आपका कवर सेक्शन। कवर सेक्शन की बात करिए प्रॉपर आपको हाइड्रोलिक मिल रहा है, देख सकते हैं मैंने जोर से इसको पुश करा पर ये जोर से बजा नहीं क्योंकि यहाँ पे हमने डबल लॉक लगाया है, ये भी एक प्लस पॉइंट है। इससे एक को आए तो एलसीडी पैनल आपको यहाँ मिल रहा है, ऊपर की तरफ को आपको प्रॉपर डाउन सीलिंग का डिजाइन और एसी का प्रोविजन हमने हॉल में आपको बेडरूम में सभी जगह प्रोवाइड करवाया है। आप अपनी इच्छा के अनुसार अपना एलसीडी लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए तो ये आएगा आपका 5x6 का वॉशरूम एरिया। सेम एसेसरी इसी तरह से जिस तरह से आप देख रहे हैं इसी तरह से आपको सेम मिल रही है। और तो चलो फिर वॉशिंग एरिया भी देख लेते हैं एक बार। वॉशिंग एरिया काफी इंपॉर्टेंट होता है लेडीज के लिए बिकॉज क्योंकि उनको कपड़े वगैरह वॉश करने होते हैं। तो ये आपका वॉशिंग एरिया है, यहाँ पे 2 टैप्स आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, ये देख सकते हैं 4 फीट तक हमने यहाँ पे आपको टायर प्रोवाइड करवाई है। और आजकल जैसे विंटर्स के टाइम लेडीज को काफी दिक्कत आती है कपड़े वगैरह वॉश करने में, ठंडे पानी से हम कपड़े वॉश नहीं कर सकते बिकॉज हमारे हाथों में बहुत ठंड लगती है, तो इसीलिए हमने बाहर आपको गीजर के लिए प्रोविजन दिया है ताकि आप गीजर बाहर लगाए और बाहरों बाहर ही आपका काम इजिली हो पाए। ओके, तो ये था हमारा वॉशिंग एरिया। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड बेडरूम की तरफ। तो आए फिर सेकेंड बेडरूम भी कुछ इसी तरह का आपका रहेगा। आइए आइए बिल्कुल, ये देख सकते हैं ये हमारा सेकंड बेडरूम है। आज मैं बहुत मजे में वीडियो बना रही हूँ, आज मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो ये देख सकते हैं ये हमारे सबसे पहले आते ही कवर्स जो को यहाँ पे थोड़ा सा खलारा पड़ रखा है, इस चीज को इग्नोर करें। तो इस साइड को देखे तो यहाँ पे वॉल पेपर रहेगा, बेड आपको बीच में मिल रहा है, ऊपर की तरफ को आपको डाउन सीलिंग। और इसी के साथ ही इस सेट को आते हैं तो आपको एलसीडी पैनल और बेड में हमने वेंटिलेशन का भी आपको प्रोविजन दिया है, यहाँ पे आप अपने विंडो एसी लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं। तो इसी के साथ ही आ जाता है हमारा वॉशरूम एरिया। वॉशरूम एरिया आप देख सकते हैं प्रॉपर एज इट इज, इसी तरह से ये सारी चीजें एसेसरी आपको बीच में मिलेगी जो वॉशरूम के अंदर है। तो ये था हमारा 2BHK। अगर कोई आप यहाँ पे खुद शिफ्ट होना चाहते हैं आप खुद भी शिफ्ट हो सकते हैं क्योंकि बहुत ही प्राइम लोकेशन है, बिल्कुल ही पीसफुल एरिया है। और अगर आप सोच रहे हैं मुझे खुद भी शिफ्ट होना है और रेंट पर्पस से भी आप देख रहे हैं तो ये घर बिल्कुल आपके ही लिए लेके आए हम ग्रेटर मोहाली के अंदर। तो नीचे आप खुद आप शिफ्ट हो सकते हैं इस आलीशान घर में और ऊपर वाला मैं दिखाती हूँ जो आप रेंट पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए तो हमने प्रॉपर ग्रेनाइट ग्रे का यूज करा है, रेलिंग आपको प्रॉपर दे रहे हैं। और इसी के साथ ही इससे को आते हैं तो याद आता है हमारा बालकनी। बालकनी देखिए तो यहाँ पे प्रॉपर एसएसके रेलिंग और टफन ग्लास का हमने यहाँ पे यूज करा है। और इससे को आए तो याद जाते हैं आपकी लाइट्स जो कि प्रॉपर आपकी रहेगी। और यहाँ पे भी हमने आपको डबल डोर प्रोवाइड करवाया है, आप देख सकते हैं आप जो ओनर नीचे रहते हैं उनकी अपनी प्राइवेसी है, बाहर बाहर से हमने स्टेयर्स आपको प्रोवाइड करवाई है। ऊपर वाला फ्लैट आप जो है इजिली चढ़ा सकते हैं रेंट पे। ये देख सकते हैं ये आपका किचन रहेगा सेम एज इट इज, इस तरह से 4 टैप्स आरओ के लिए गीजर के लिए सेम ऐसे ही आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं आप। यहाँ पे अगर फ्रिज वगैरह लगाना चाहते हैं जैसे रेंट पे देना चाहते हैं तो आप इजिली यहाँ से 12 से 13 हजार इस घर का रेंट ले सकते हैं। यहाँ पे आप डबल बेड लगा सकते हैं इसलिए बोथ साइड आपको स्पेस रहेगा और इधर वेंटिलेशन के प्रॉपर विंडो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है हमारी कवर जो मुझे बहुत पसंद है और सबसे मेन इम्पोर्टेंट है आपका ड्रेसिंग एरिया। तो इसके अंदर भी हमने स्लॉटिंग वगैरह करी है, मैं दिखा देती हूँ एक बार आपको, ये देख सकते हैं प्रॉपर हमने यहाँ पे स्लॉटिंग वगैरह करी है। और बाहर आपको प्रॉपर मिरर का वर्क मिल रहा है, नीचे की तरफ को प्रॉपर आपके डोर्स रहेंगे। तो आए थे इसी के साथ ही हमने क्या करा है आपको हॉल और बेडरूम का कॉमन वॉशरूम यहाँ प्रोवाइड करवाया है। आप देख सकते हैं वॉशरूम आपका सेम ऐसे ही रहेगा जिस तरह से आप देख रहे हैं।
तो अब मैं लेके चलती हूँ आपको ओपन एरिया की तरफ। अगर आप कभी ओपन एरिया में भी कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, आप इजीली करवा सकते हैं। यहाँ पे आपका 1 बेडरूम प्लस वॉशरूम इजीली बन जाएगा। तो ये था हमारा 100 गज का 3 BHK हाउसेज। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी हो मेरी वीडियो और आप बोर तो बिल्कुल भी नहीं हुए होंगे। तो चलो अब काम की बात पे आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, इसका साइज़ हमारा 100 गज है, 20x45 इसकी डायमेंशन है और 3 BHK हाउस आपके लिए लेके आए हैं। अगर आपने पूरा का पूरा घर इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है तो इजीली इस घर से आप 30,000 मंथली किराया ले सकते हैं। इसके नियर बाय आपको यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स और स्कूल्स आपको नियर बाय मिलेगा। और अगर अंडर कंस्ट्रक्शन घर लेना है वो भी हमारे पास अवेलेबल है। अब बात करते हैं इसके प्राइस की। इसका जो प्राइस रहेगा 62,90,000 का, आपका ये जड़ समेत घर, छत भी आपकी और ज़मीन भी आपकी। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हम आपके लिए मज़ेदार वीडियो लेके आए खरड़ के अंदर। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।